नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड के इंसर्ट मीनिंग के बारे में, है ना। एमएस वर्ड के इंसर्ट मीनिंग के बारे में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़े थे होम मेन्यू के बारे में। तो होम मेन्यू के लगभग 4 से 5 वीडियो बन चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं, जो भी होम मेन्यू में जो भी टूल्स है ग्रुप बाय ग्रुप करके हमने यहाँ पे बना चुके हैं। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू का सबसे पहला ग्रुप है पेज ग्रुप, जिसमें कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक ऑप्शन आता है। तो आज इसी 3 ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नए नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आप उस वीडियो को रेगुलर देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कवर पेज, है ना। डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। डिफिनेशन है, दिस ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट फुल्ली फॉर्मेटेड कवर पेज इन एमएस वर्ड। इंसर्ट फुल्ली फॉर्मेटेड कवर पेज इन एमएस वर्ड। ये सबसे पहले ध्यान रखना है यहाँ पे, ये कवर पेज। कवर पेज का मतलब होता क्या है, अगर इसके मतलब अगर आप समझ गए तो डिफिनेशन भी समझ में आ गया होगा। अगर यही नहीं समझाऊंगे तो डिफिनेशन भी समझ में नहीं आया होगा। तो चलिए पहले इस बात को समझते हैं, ये कवर पेज होता क्या है, कवर का मतलब होता क्या है। जैसे तो कवर का मतलब ढक्कन हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ढक्कन नहीं बल्कि कुछ और शब्द यूज करेंगे। जैसे हम लोग कोई भी बुक या कॉपी खरीदते हैं तो बुक या कॉपी का जो पहला पेज होता है जिसे हम लोग फ्रंट पेज बोलते हैं, है ना। बुक या कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है, जो पहला पेज होता है, उसी को हम लोग कवर पेज बोलते हैं, है ना। आप देखेंगे जो भी 10, 20, 50, 100 रुपये जो भी आप कॉपी खरीदते हैं या बुक खरीदते हैं, तो उस बुक का पहला पेज होता है जो थोड़ा मोटा होता है, फ्रंट का जो पेज होता है जिसपे आपका जो कंपनी का बुक है या जो बुक का नाम है वो आपको उसी कवर पेज पे लिखा होता है ना, उसी फ्रंट पेज पे लिखा होता है, उसी को हम लोग कवर पेज बोलते हैं। तो अगर आप एमएस वर्ड में किसी तरह का बुक टाइप कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक कवर पेज बनाएं या कवर पेज क्रिएट करें, तो हम लोग इसी ऑप्शन के माध्यम से कवर पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है, दिस ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट फुल्ली फॉर्मेटेड कवर पेज इन एमएस वर्ड। फुल्ली फॉर्मेटेड करने के मतलब ऑलरेडी वहाँ पे फॉर्मेटिंग किया हुआ, आपको फॉर्मेटिंग करना नहीं है, डिजाइनिंग करना नहीं है, बल्कि ऑलरेडी डिजाइन वहाँ बना हुआ है, सिर्फ वहाँ से चूज कर लेना है, पिक कर लेना है, जो भी वहाँ पे आपके कवर पसंद है कवर पेज वहाँ पे जाकर क्लिक कर दें, वो आपके कवर पेज आपका फर्स्ट पेज पे अप्लाई हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, आपके कर्सर किसी भी पेज पे हो, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर किसी भी नंबर पे हो, लेकिन कवर पेज जब भी अप्लाई होगा तो पहला पेज पे होगा। कौन सा पेज पे, पहला पेज होगा। हाँ, तो कवर पेज पहला पेज पे होता ही है, इसलिए कवर पेज पे ऑटोमेटिक वो चला जाएगा, आपको ले जाना भी नहीं पड़ेगा। कर्सर चाहे 5 नंबर 10 नंबर पेज पे है, लेकिन जैसे ही आप कवर पेज अप्लाई करते हैं तो आपका कवर पेज वो फ्रंट पेज पे ही जाता है ना। तो कवर पेज फ्रंट पेज पे ही होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिजाइन बना हुआ है, सिर्फ वहाँ से जाकर के क्लिक कर लेना है, सिलेक्शन कर लेना है। अब रह गया बात कि उस पर सिर्फ आपको ओवरराइट करना है, यानी उस पर कुछ लिखना है। तो ऑलरेडी उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसके अपना है लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप उस पर कुछ अपने तरीके से कुछ लिखना चाहते हैं, अपना सेंटेंस लिखना चाहते हैं, तो उस पर एडिटिंग कर देना है ना। बाकी आपका एक कवर पेज ऑलरेडी बना होता है। तो इस ऑप्शन के माध्यम से एमएस वर्ड में हम लोग कवर पेज को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब होता क्या है, डिफिनेशन है, दिस ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट ए न्यू ब्लैंक पेज एट द करेंट कर्सर पोजिशन। एट द करेंट कर्सर पोजिशन, यानी इस ऑप्शन के माध्यम से एमएस वर्ड में हम लोग ब्लैंक पेज को इंसर्ट करवा सकते हैं। ब्लैंक का मतलब होता है खाली, यानी खाली पेज। जैसे आप एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं और लगभग आप 2-4 पेज पहले से आप ओपन किए हुए हैं, अगर आपको 5वां पेज चाहिए, ब्लैंक पेज खाली पेज 5वां पेज आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो फिर हम लोग इस ऑप्शन के माध्यम से पेज को ऐड कर सकते हैं, है ना। आप एमएस वर्ड को ओपन किए हुए हैं, सपोज दैट ऑलरेडी आप 4 पेज ओपन किए हुए हैं और आप चाहते हैं 5वें पेज को उसमें ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, है ना, 5वें पेज उसमें लेना चाहते हैं, तो हम लोग इस ऑप्शन के माध्यम से 5वें पेज को ऐड कर सकते हैं। या तो फिर
आपको बीच में कहीं पे पेज चाहिए, मान लीजिए कि हमको पांचवें नंबर पे नहीं चाहिए बल्कि दूसरे नंबर पे हमको एक पेज को इंसर्ट करना है, तो वहाँ पे आप कर्सर को ले जाइए और वहीं पे कर्सर को रख करके इंसर्ट कर लेंगे तो आपका वहीं पे पेज आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट ए न्यू ब्लैंक पेज एट द करेंट कर्सर पोजिशन, यानी आपका जहाँ पे कर्सर होगा वहीं पे आपका एक नीचे ब्लैंक पेज आ जाएगा। अगर आप चाहते तीसरे, ऑलरेडी चार पेज आप रखे हुए हैं और आप चाहते तीसरे नंबर के बाद हमें एक पेज लेना है, तो आप तीसरे नंबर पे आप कर्सर को रख ले और वहीं से आप इंसर्ट करते हैं तो तीसरे के बाद चौथे पेज आपका ब्लैंक पेज यानी खाली पेज ऐड हो जाएगा। तो आपको जहाँ पे पेज चाहिए, जिस पेज के नीचे चाहिए, जहाँ पे पेज चाहिए वहाँ पे आप कर्सर को रख लें और इस ऑप्शन के प्रयोग करके आप एक खाली पेज इंसर्ट करवा सकते हैं, खाली पेज एक ऐड कर सकते हैं, है ना। तो समझ में आया ऑप्शन, ये तो ऑप्शन हो गया, लेकिन एक शॉर्ट की है जिसे बोलते हैं CTRL, कंट्रोल प्लस इंटर बटन, है ना। आप कंट्रोल प्लस इंटर बटन के प्रयोग करके भी आप ब्लैंक पेज इंसर्ट करवा सकते हैं, यानी ऑप्शन में जाकर के इंसर्ट मेन्यू में जाना है, इंसर्ट मेन्यू में पेज ग्रुप है, पेज ग्रुप में आपका ब्लैंक ब्लैंक पेज जहाँ पे है वहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे तब जाकर के आपका एक पेज आएगा। लेकिन आप वहाँ उतना प्रोसेस करना नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस इंटर दबा दें, आपको उसमें एक नया पेज ऐड हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है ब्रेक पेज। ब्रेक पेज का मतलब होता है क्या, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, क्या होता है, हाँ तोड़ना होता है। तो अगर आप अपने पेज को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ने का मतलब इसको ये नहीं कि हम लोग पेज A4 साइज हमने सिलेक्शन किए हुए हैं और उसको ब्रेक करेंगे तो हाफ हो जाएगा, हाफ नहीं होगा बाबू, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे हमने दो तीन यहाँ पे डिफिनेशन लिख चुके हैं, सपोज दैट ये एक पेज पे हम लिखे हैं और हम चाहते हैं कि ये दो डिफिनेशन जो है ये एक पेज पे रहे और नीचे का जो डिफिनेशन है उसे अगले पेज पे ले जाना चाहते हैं, ना। तो ये नेक्स्ट पेज पे दूसरे पेज पे ये जाएगा कैसे, तो करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ऑप्शन इज यूज टू ब्रेक द पेज फ्रॉम करेंट कर्सर पोजिशन। आप जहाँ से पेज को नीचे करना चाहते हैं, जहाँ से सेंटेंस को आप नीचे करना चाहते हैं, अगले पेज में ले जाना चाहते हैं, वहाँ पे कर्सर रख लें। यानी सपोज दैट इसे आप चाहते हैं कि हम दूसरे पेज में लेके चले जाएं, तो करना क्या है, कर्सर आप यहाँ पे रख लें, है ना। कर्सर को यहाँ पे रखने के बाद आप ब्रेक पेज ऑप्शन पे क्लिक कर दें, सॉरी यहाँ पे है ब्रेक पेज ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो जैसे ही ब्रेक पेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दो सेंटेंस जो है वो आपका एक पेज में रह जाएगा, बाकी के नीचे के जो भी सेंटेंस या तो ये है या तो नीचे और भी लिखा हुआ रहेगा तो वहाँ से आपके दूसरे पेज में लेके चला जाएगा, लेकिन पहले पेज पे सिर्फ इतना ही रहेगा, है ना। तो समझ में आया, तो एक बार और रिपीट करते हैं। कवर पेज, यानी कवर कहने का मतलब फ्रंट पेज, किसी तरह का बुक वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बुक का एक फ्रंट पेज हमें क्रिएट करना है, बनाना है, तो हम लोग इस ऑप्शन के माध्यम से बना सकते हैं। तो इसमें ऑलरेडी डिज़ाइन इसमें है, आपको 8-10 डिज़ाइन मिल जाएगा, आपको 8-10 में से जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है किसी एक को सिलेक्शन करके आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी इसमें से डिज़ाइनिंग पसंद नहीं है तो फिर खुद से बना लें, है ना। तो फिर क्या करें, खुद से बना लेंगे अपना डिज़ाइनिंग, तो वो भी हम लोग कवर पेज बनाने के लिए बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है ना, हो सकता है अगले वीडियो में बताएं। चलिए अगला ऑप्शन है ब्लैंक पेज। इसका डिफिनेशन है दिस ऑप्शन इज टू इंसर्ट ए न्यू ब्लैंक पेज एट द करेंट कर्सर पोजिशन। यानी इस ऑप्शन का प्रयोग आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं और अगर आप उसमें एक पेज ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो हम लोग इस ऑप्शन के माध्यम से पेज को ऐड कर सकते हैं, पेज को जोड़ सकते हैं, है ना। हमने बताए थे ब्रेक पेज, ब्रेक पेज का प्रयोग आप जो भी सेंटेंस लिखे हुए हैं, जो भी आप एमएस वर्ड में लिखे हुए हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल में बताए थे कि हमने एक पेज पे तीन का डिफिनेशन लिख चुके और हम चाहते हैं कि दो का डिफिनेशन रहे और एक का डिफिनेशन अगले पेज में चला जाए, यानी नेक्स्ट पेज में दूसरे पेज में चला जाए, तो ये जाएगा कैसे, है ना। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे हम बताए थे कि कर्सर को जहाँ पे आप यहाँ कि इसका फर्स्ट में भी कर्सर को रख कर कर सकते हैं या तो फिर यहाँ पे लास्ट में भी करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे करके जब ब्रेक पेज करेंगे तो ये जो आपका लिखा हुआ डेफिनेशन है वो दूसरे पेज पे चला जाएगा, है ना। तो ये ऑप्शन समझ में आया, तो आज की वीडियो यहीं तक है। आज हमने पेज ग्रुप के बारे में जो भी तीन ऑप्शन था हमने उसके बारे में बात कर लिए हैं। अगले आप वीडियो में पढ़ने वाले हैं टेबल ग्रुप के बारे में, है ना, टेबल ऑप्शन का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक है और अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए नए वीडियो अपलोड करते आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए।
ताकि आप उस वीडियो को रेगुलर देख सकें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।